हमारे साथ वशिष्ठ नारायण सिंह जी हैं। आज 84 दिन के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। सर, कितना संतुष्ट है आप? जिस आपके नजर में किस तरह से बंटवारा हुआ मंत्रिमंडल का, ठीक है क्या? क्षेत्रीय समीकरण, जाति समीकरण, सबका ख्याल रखा गया है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को इस रूप में नहीं देखना चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार को का नजरिया हो सकता है, और सबसे बड़े नजरिया यह हो सकता है कि इसमें वो अनुभवी और पुराने लोगों को भी एक साथ रखा गया, नए चेहरों को भी, इसमें काफ़ी युवक भी हैं, उनको भी मौका दिया गया है। और इस तरह से ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार है और स्वरूप है, काफ़ी लगता है कि संतुलित है। और इससे जो सरकार ने अपने संकल्प की घोषणा किया है कि हम इन नीतियों को, इन कार्यक्रमों को अगले 5 वर्ष में कार्यान्वित करेंगे। और मैं यह भी मानता हूँ कि सरकार के संकल्प पत्र जो है वो बिहार के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने में सहायक होंगे। बिहार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा बड़ा काम पहले ही कर दिया है, जैसे बिजली, सड़क, पुल, पुलिया, और गांवों को शहर से जोड़ने और पक्की सड़क से, मेन सड़क से जोड़ने का काम तो ऑलरेडी हो चुका है। और पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देने से और सरकारी नौकरियों में उनको सहूलियत या आरक्षण देने से महिला सशक्तिकरण का प्रमाण सरकार ने जो किया है उसको लोगों को देखने का मिला है। इस बार गांव के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए बिहार की सब खूबी क्या है? बिहार की खूबी है कि वहां लोग ज़्यादा हैं और कृषि भूमि उसके अनुपात में कम है, तो इससे यदि हर खेत में पानी पहुंच जाता है तो बिहार की आर्थिक संरचना जो है उसको और विकसित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए जो योजना सरकार ने बनाई है, आजकल चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे मल्टीनेशनल्स कंपनी हो, या किसी ढंग की कंपनियां जो कार्य कर रहे हैं या विदेशी कंपनियां, सभी लोग ट्रेंड स्किल को खोजते हैं। इस काम को संकल्प लेकर के सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इसलिए यह सरकार पिछली सरकारों से भी बेहतर साबित होगी और कई उपलब्धियां ऐसी होंगी जो बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाने में मदद करे। क्या ये मंत्रिमंडल विस्तार पूरे 5 साल के लिए है? 5 साल के लिए तो है ही, और सरकार ठीक से काम करेगी। जिस सरकार ने बिहार को बीमारू राज्य से इस विकसित राज्य के श्रेणी में जाने के लिए मैंने अनेक कदम उठा दिया है और राष्ट्र के मैप पर भी बिहार दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से इस बार की सरकार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में उपलब्धियों का ढेर इस बार दिखाई पड़ेगा। थे वशिष्ठ नारायण सिंह, जो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। दिल्ली से इति भारत, झारखंड के लिए मैं शशांक कुमार।